अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम, मैं हूं कदीर और आप देख रहे हैं 101 टेक। दोस्तों, अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि प्ले स्टोर का अकाउंट कितना जरूरी है, जहां से आप मोबाइल के एप्लीकेशंस, मोबाइल के गेम्स और मोबाइल के एडिशनल फीचर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्ले स्टोर का अकाउंट या आईडी कैसे बनती है तो देखते रहिए ये वीडियो। वेलकम बैक दोस्तों, हमें कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेरा मोबाइल शो हो रहा है, जो कि आपको गाइड करेगा कि किस तरह हम अपने प्ले स्टोर के अकाउंट या आईडी बनाएंगे। यहाँ प्ले स्टोर के आईडी बनाने के मोबाइल पर दो सिंपल से तरीकेकार हैं, जैसे कि प्ले स्टोर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर डबल क्लिक कर मीन्स के अपने मोबाइल की स्क्रीन पर प्ले स्टोर पर टच कर भी बना सकते हैं। दूसरा थोड़ा सा मुश्किल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप अपनी स्क्रीन की सेटिंग यहाँ नीचे करते हैं तो यहाँ पर सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग पर जाने के बाद आपने यहाँ पर ढूंढना है कि अकाउंट्स, यहाँ पर जाने के बाद अकाउंट्स एंड सिंक्रोनाइजेशन SYNC, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने क्लिक किया तो आप यहाँ पर ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ऐड अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ठीक। यहाँ पर आने के बाद आप गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वही सेम ऑप्शन शो हो रहा होगा जो आपका पहले हुआ था। मैं वापसी आपको, थोड़ा सा ये तरीकेकार मुश्किल तो है, मगर अगर आपको यहाँ पर प्ले स्टोर नजर ना आए, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप वहां पर जाकर भी सेटिंग में जाकर भी आप अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे आसान तरीकेकार तो ये है कि आप प्ले स्टोर पर बस क्लिक करें। जैसे आपने प्ले स्टोर पर क्लिक करा, न्यू पर हम क्लिक करेंगे तो मेरे साथ यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हैं जिनका मैं अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर ये पूछेगा आपका फर्स्ट एंड लास्ट नेम, तो आपका नाम बताने क्या? रुताब, RUTT। यहाँ पर आप क्लिक करें, RUTT A B, शायद दो बार क्लिक हो गया है, रुताब RUTT AB, ठीक। इसके बाद लास्ट नेम अहमद, AHMED अहमद, रुताब अहमद। नेक्स्ट करेंगे आप, ठीक है, या आपसे ईमेल पूछेगा तो ईमेल हम बनाते हैं, RUTABTT। यहां पर हम RUTTAB, रुताब AHMED। मैं यहां पर सर्च करता हूं कि भाई इस नाम से मैं मेरी आईडी बन सकती है या नहीं। ये कहता है कि रुताब यूजर नेम इज नॉट अवेलेबल, या ये अवेलेबल नहीं है, तो टच सजेस्ट पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है रुताब 100, RUTTAB, रुताब 100। हम इस पर सिलेक्ट कर देते हैं तो हमारी आईडी बनी है RUTTAB। तो कोशिश करें कि आप किसी पेपर पर लिख लें ये आईडी, मैं अपने पास लिख लेता हूं, नॉट पैड, सॉरी बंद हो गया है ये। RUTTAB 100@gmail.com ये हमारा यूजर है, इसको हमें जरूर याद कर रखना है। इसके बाद हमने क्या करना है, ट्राई अगेन पर क्लिक करना है कंफर्म करने के लिए। फिर ये पासवर्ड पूछता है, मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड लिखता हूँ,
मैं जो भी मुझे पसंद है मैं यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ अपना 123, ये मैंने अपना पासवर्ड लिखा है, इसको आप वापस रिपीट करेंगे। आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। ये मेरा पहले मैच नहीं हुआ कि आपने वही पासवर्ड रखना है जो ऊपर रखेंगे और जो नीचे भी वही पासवर्ड रखना है आपने, तो मैं वापस, मेरे ख्याल है मिस्टेक हो गई है कोई हमसे, तो मैं ये इसको वापस कर देता हूँ। मैं अपना पासवर्ड रख रहा हूँ पाकिस्तान 1 2 3 4 5। PAKISTAN पाकिस्तान 1 2 3 4 5। तो आप ये इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है इफ एवर पासवर्ड यू विल वांट टू रिकवर इट, यस, अगर आप रिकवर करना चाहते हैं। अच्छा, तो अपना फोन नंबर देंगे आप इसके अंदर। फोन नंबर जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0307 003150 31546। बैकअप ईमेल लिख देता हूँ मैं, ये मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पर। kadir24@gmail। दोस्तों ये रिकवर, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस सूरत के अंदर आपको ये रिकवर वापसी मिल सकता है आपका पासवर्ड इस नंबर पर और इस ईमेल एड्रेस पर जो कि मैंने अपना डाला है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड का बना रहा हूं, ये मेरे साथ बैठे हैं अभी। तो हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बैकअप करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल का इसके थ्रू या नहीं, तो मैं इसको इस वक्त नहीं चाहता कि इस मोबाइल के अंदर हो, तो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट जैसे ही हम करते हैं तो ये कुछ मिनट्स लेगा आपसे सेविंग अकाउंट्स। तो आप जो भी मतलब रिकवर के लिए हमने इंफॉर्मेशन रखी थी, जिस तरह के मैंने यहाँ पर रखी है रिकवर के लिए याला ईमेल एड्रेस, ठीक है, और एक फ़ोन नंबर लिखा था, वो मैं अभी इस वक्त नहीं लिख रहा मुझे यहाँ पर, तो आपने ज़रूर लिखना है वो फ़ोन नंबर, ताकि आप अगर किसी सूरत में आपका मोबाइल गुम हो जाता है या कोई मसला है या आपको अपना अकाउंट रिकवर करना है तो उस सूरत में आप उस नंबर के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। अब ये ऑथेंटिकेशन कर रहा है कि भाई ये यूज़र कौन है, ह्यूमन है या कोई रोबोट या कोई वायरस तो नहीं है जो कि या मोबाइल को हैक कर रहे हैं। SESSELA, ओके, जब आपने नेक्स्ट करना है तो ये कंफर्मेशन कर रहा है। क्योंकि ये ह्यूमन आई है, वही जाहिर है कि इसको पढ़ सकती है, अगर कोई रोबोट होगा या फिर फॉर एग्जांपल कोई हैकर है वो तो अवेलेबल नहीं है इस वक्त। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास कोई कार्ड है, तो हम कार्ड की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, ये उस सूरत में होता है कि आपने अपनी कोई एप्लीकेशन वगैरह परचेज करनी हो,
तो आप अपना कार्ड इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। नो थैंक्स कर देता हूं मैं यहां पर। बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये जबरदस्त, ये देखें आपके हाथ में प्ले स्टोर अकाउंट ओपन हो गया है। जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहां पर आपका अकाउंट शो हो रहा होगा, यहां पर ये देखें रुताब, ठीक है। अब यहां पर भी आप जिस तरह प्ले स्टोर पर वापस क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो के नीचे रेड बटन आ रहा होगा, उससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।